मेरा अगला स्लोगन इस प्रकार है, मैं आपके बीच पेश कर रहा हूँ। दो सहेलियाँ आपस में बात कर रही हैं, दोनों अंतरंग सहेलियाँ हैं, तो मन की बात, सुख दुख की बात कैसे कही जा रही है, कैसे उसका समाधान दिया जा रहा है, मैं आपके बीच पेश कर रहा हूँ। अरे व्यर्थ संशयों में क्यों रोती, 10 रुपये में सारी जांचें होती। एक साधारण सी ग्रामीण महिला इस बीमारी से ग्रसित है या नहीं है, लेकिन उसके मन में इस बात का संदेह जरूर है। किसी ने यह बात उनके मन में बिठा दी कि तुमको ऐसी घातक बीमारी हो चुकी है जिससे अब तुम्हारा बचना मुश्किल हो गया है। तो वो ग्रामीण महिला ऐसी कोई विशेष पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो जो है विभिन्न प्रकार के संशय से, विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों से और मृत्यु का डर उसके दिमाग के अंदर छा गया है। ऐसे हालात में वो जो है उसका खाना पीना छूट गया है और दिनचर्या भी उसकी थोड़ी सी बदल सी गई है और निराश रहने लग गई है। संसार के प्रति वो आकर्षण, वो मोह अब उसका नहीं रहा, तो मन में विभिन्न प्रकार की चिंताएं उसको सताने लगी है। ऐसे हालात में टीवी देखने वाली एक उसकी थोड़ी सी समझदार सहेली उससे मिलने आती है। तो जब अंतरंग सहेली है, खास सहेली है, प्रिय सहेली है, पक्की सहेली है, तो फिर मन की बात कहने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होता है। तो जो रोग ग्रसित महिला थी, उसने अपने मन की थोड़ी बात उनको बताई, तो वो जो समझदार उसकी सहेली थी उसने उनको कहा कि नहीं नहीं तुमको इसमें ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है, 10 रुपये के अंदर सारी जाँचें होती है। एक बार तुम थोड़ा सा ANM मैडम के साथ या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ किसी के साथ तुम हॉस्पिटल चली जाओ, वहाँ तुम्हारी सारी जांच हो जाएगी और जांच में जो लेबोरेटरी टेस्ट की जो रिपोर्टें आती है बस वो रिपोर्टें मान्य हैं, डॉक्टर साहब जो फिर तुमको जो राय देंगे, अगर बीमारी है तो आपको दवाई देंगे, आपको सलाह मशवरा देंगे, कुछ राय देंगे, और बीमारी नहीं है तो आपके मन की सारी शंकाएँ निकल जाएगी, और यदि किसी को समझ नहीं तो मैं तुम्हारे साथ चल दूँगी और तुम्हारे हॉस्पिटल में सारी जांचें करवा लेंगे। तो एक सहेली ने बड़ी अच्छी सी बात कही है कि 10 रुपये की बात है और 10 रुपये बहुत बड़ी राशि नहीं है इसकी जांच करवाने के लिए, और 10 रुपये तेरे पास अभी नहीं तो मैं दे दूँगी, इसमें क्या है। तो दोनों सहेलियां एक दूसरे से मिल करके किस प्रकार समस्या का समाधान निकालती है, हमें भी इसी मानसिकता पर काम करना चाहिए। हमारा कोई मित्र है, रोगी है, रोग से ग्रसित है, तो हमें भी इसी प्रकार उसकी मदद करनी चाहिए, मार्गदर्शन देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।